ओके, गुड इवनिंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और साथ साथ स्टडी कर रहे हो। मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि साथ साथ पढ़ते रहो। हमने अभी 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स जस्ट स्टार्ट की थी और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने सिर्फ अभी तक दो ही छोटे छोटे टॉपिक किए थे। एक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। हमने ये दो टॉपिक अच्छे से किए थे एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के मीनिंग के बाद हमारा जो अगला टॉपिक था, हमारा अगला टॉपिक था वो था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो अभी आप पढ़ रहे हो, क्लास 11th में पढ़ने वाले हो, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास को आपने देखा है, वहां पे मैंने आपको कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने तीन मेन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यहां इंट्रोडक्शन को अगर दो चैप्टर को छोड़ दें, पहले दो चैप्टर को, तो हम पढ़ते हैं बेसिकली द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, द थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर एंड द थ्योरी ऑफ मार्केट। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बात बताई थी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल आई, माइक्रो के अंदर देखो आई आता है, माइक्रो के अंदर आता है आई और मैक्रो में आता है ए। मैक्रो में क्या आता है? ए। तो माइक्रो का मतलब होता है वेयर यू स्टडी अबाउट इंडिविजुअल। माइक्रो भी छोटा, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, मतलब एक यूनिट, एक कस्टमर, एक सप्लायर, एक मार्केट। जहां छोटे के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो सब्जेक्ट है, वो तो आप जानते हो, ये तो आप जानते हो, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? इंडिविजुअल यूनिट के बारे में, एक यूनिट के बारे में, एक घर के बारे में, एक मार्केट के बारे में, एक कस्टमर की डिमांड के बारे में, एक सप्लायर के बारे में, ये हम स्टडी करते हैं। और यही कंपोनेंट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, कंपोनेंट्स जो है वो सेम ही तो है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड मार्केट। कंज्यूमर क्या करता है? डिमांड। प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई। और दोनों डिमांड और सप्लाई जहां पे मिलते हैं मार्केट के अंदर, वहां उस कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। तो मेन मकसद जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का इज टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप जब मार्केट में जाते हो, कभी आपने मार्केट में जज किया होगा, अगर हम एक एग्जांपल लें जो कि भी किचन में डेली यूज होता है, से ओनियन। एक टाइम है, आज ओनियन का प्राइस है 15 रुपीज किलो। आज से 4-5 महीने पहले की बात है, मुझे याद है ओनियन 100 रुपीज किलो था। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? ये कौन तय करता है कि अब ओनियन 100 रुपीज का बिकेगा और अब किसने तय किया कि अब ओनियन 15 रुपए का बिकेगा 15 रुपीज किलो? ऐसा कैसे हो जाता है? कभी टोमेटो का प्राइस मार्केट के अंदर 100-150 है, लोग रो रहे हैं, और कभी आज टोमेटो का प्राइस मार्केट में 10 रुपीज किलो है? कौन ये बातें तय करता है? ये आपके आसपास होने वाली बातें हैं। कभी दूध का प्राइस, मिल्क का प्राइस पर लीटर 56 रुपीज हो जाता है, कभी घट के 52 रुपीज हो जाता है। ये कौन तय करता है? वो डिटरमाइन दिस। ये कौन सी पावर है पीछे? ऐसा कौन सा आदमी पीछे बैठा है जो बताता है कि अब प्राइस ये कर दो, अब प्राइस ये कर दो? ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहां डिमांड कौन? कंज्यूमर करता है। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। जहां किसी भी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, जहां कहीं जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, सर ये कैसे इंटरसेक्ट करती है? सर यहां से कंज्यूमर आता है, यहां से प्रोड्यूसर आता है, आपस में हाथ मिलाते हैं? ऐसे नहीं होता बेटे, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। जहां कहीं भी थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई के अंदर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पे तय हो जाएगा उस कमोडिटी का प्राइस। और ये हम स्टडी कहां करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। यही कंपोनेंट्स है। अगला टॉपिक ऑलरेडी कवर हो रहा है, अगर आप अच्छे से समझ जाओगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो हम तो माइक्रो पढ़ने वाले हैं, मैक्रो नहीं पढ़ने वाले हैं। तो माइक्रो के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल सप्लायर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ थ्योरी ऑफ प्राइस, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में डिमांड करने वाला कंज्यूमर और मार्केट में सप्लाई करने वाला प्रोड्यूसर दोनों मिलकर करते क्या है? प्राइस तय करते हैं। देखो ना, सोने का प्राइस, गोल्ड का प्राइस आज 47,000 पर 10 ग्राम है। आज से जस्ट 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले इट वॉज 41,000।
उससे दो महीने पहले चले जाओ, इट वॉज 36,000. वो इज फिक्सिंग दिस प्राइस? कौन है वो? मार्केट. मार्केट में फिक्स होते हैं ये प्राइस. मार्केट के हाथ पैर नहीं होते. मार्केट में दो फोर्स काम करती है. देर आर टू फोर्सेज वर्किंग इन द मार्केट. वन फोर्स इज डिमांड विच इज फ्रॉम द कंज्यूमर, अनदर फोर्स इज सप्लाई विच इज फ्रॉम द प्रोड्यूसर, एंड वेयर द मीट देयर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज बी डिटरमाइंड. बहुत मजेदार है इकोनॉमिक्स. मैंने कहा ना, कॉमर्स स्ट्रीम भी मजेदार है. यहां ऐसी ऐसी चीजें आप पढ़ते हो जो साइंस के बच्चे सोच भी नहीं सकते. हंस दिया करो साइंस के बच्चों को देख के. जब कभी साइंस का बच्चा सामने आए ना, हंस के निकल जाएगा. सोचता रहेगा ये हंस के क्यों गया. हंस के निकल जाओ. अरे आप वो चीजें पढ़ोगे जो आपके आसपास हो रही है लाइव. अब कल से आप सोचना शुरू करो. मार्केट में रेट पता करने स्टार्ट करोगे जब मार्केट में जाओगे. अभी तो बाहर मत निकलना, लेकिन गली में भी आपके सब्जी वाले तो आते होंगे. सब्जी वेजी बेचने वाले आते हैं आपके आसपास ग्रोसरी शॉप से. आप देखोगे कभी प्राइस बढ़ रहा है, कभी प्राइस घट जाता है किसी चीज को. आज दुकानदार के पास जाओ, भैया ये है? हाँ. कितने का है? 20 रुपए का. भैया कल तो आपने 15 का दिया. प्राइस बढ़ गया. अरे कैसे बढ़ गया भाई एक रात में प्राइस? किसने तय किया? तो कैसे तय किया? थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स. थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट में जो दो फोर्सेस काम करती हैं, एक डिमांड और दूसरी सप्लाई, जहां पे दोनों आपस में मिल जाती हैं, उसे बोल देते हैं हम डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. हर चीज की, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो ऑनियन हो, चाहे पोटैटो हो, चाहे टोमेटो हो, चाहे ग्रोसरी हो, चाहे आपकी बुक्स हो, चाहे आपके क्लोथ्स हो, सब कुछ, हर चीज की डिमांड हो सकता है. ठीक है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? वेयर यू स्टडी अबाउट इंडिविजुअल वन यूनिट. माइक्रो मीन्स ए आई आता है. आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल. और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है ए. ए मीन्स एग्रीगेट. एग्रीगेट मीन्स एज अ होल, पूरी इकोनॉमी, पूरी इंडियन इकोनॉमी. यहां इंडिविजुअल की पढ़ेंगे, एक एक कंज्यूमर की डिमांड, और यहां हम पढ़ेंगे पूरी इकोनॉमी की डिमांड. पूरे हिंदुस्तान में उस चीज की कितनी डिमांड है? एग्रीगेट डिमांड. पूरे हिंदुस्तान की सप्लाई, पूरी इंडियन इकोनॉमी की सप्लाई मीन्स एग्रीगेट सप्लाई. या हम एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमी एज अ होल, या हम इकोनॉमी एज अ इंडिविजुअल पढ़ते हैं, या हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं. ये अभी आपको ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाना है बेटे, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे 12th क्लास में. ये तो नहीं है कि ये एंड हो जाएगा. इसकी तो बिगनिंग 12th क्लास में होगी. पूरी बुक आएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स. पहले लास्ट टू लास्ट ईयर तक दोनों 12th क्लास में था. माइक्रो की और मैक्रो की दो ही बुक्स थी. बड़ा मजा आता था पढ़ के, क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में रिलेटेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब इन्होंने इसको तोड़ दिया, लेकिन रिलेशन खत्म नहीं हुआ. दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ये दोनों थ्योरी अगर आपको माइक्रो अच्छे से समझ आई तो ही आप माइक्रो अच्छे से करोगे. इसलिए मैंने कहा 11th क्लास में इकोनॉमिक्स जो है इसको समझना जरूरी है. रेटिफिकेशन करने से माइक्रो इकोनॉमिक्स पे काम नहीं चलेगा. एक एक बात को समझना होगा, एक एक बात को साथ साथ उसके नोट्स बनाने होंगे और उसे समझना होगा. जब मैं आपसे कहता हूं ना, मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके मैसेज भेजो कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, और आप बच्चे रिप्लाई नहीं करते, तो मुझे बहुत डर लगता है उस टाइम. सिर्फ दो ही बच्चों ने रिप्लाई किया, बाकी आप में से किसी ने रिप्लाई नहीं किया. जो मेरे से ग्रुप में जुड़े हुए बच्चे हो आप, कम से कम वो तो रिप्लाई करो. हाँ सर, हाँ हम करेंगे रिप्लाई. जब हमारा दिल करेगा हम रिप्लाई करेंगे. आपके बोलने का हमारे पे कोई असर नहीं होता. फिर ठीक है, फिर ठीक है. अगर आप ऐसा बिहेव करोगे तो मैं आपके लिए उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा जितनी मेहनत मैं करना चाहता हूं. एक टीचर को पता है मेहनत करने का दिल कब करता है? जब सामने वाले बच्चे रिस्पॉन्सिव हो. अगर डेड बॉडीज बैठी होंगी ना, टीचर भी डेड बॉडी की तरह पढ़ा के चला जाएगा. अगर सामने वाले बच्चे अग्रेसिव होंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे, तो टीचर का दिल करता है पढ़ाने का. मुझसे जितने ज्यादा आप डाउट पूछोगे उतना ज्यादा मुझे मजा आता है, उतना अच्छा मुझे लगता है. मैंने कहा ना, सब तरफ से कान बंद कर लो, एक तरफ से खुले रखोगे तो सही रहोगे. आगे आपकी मर्जी है. चलो आओ मैं इसका डिफरेंस करवा दूं, फिर हम टॉपिक खत्म करें. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हुआ? सिंपल है, सिंपल बिल्कुल. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल हाउस होल्ड, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल सप्लायर, ईटीसी, इंडिविजुअल मार्केट, ईटीसी. बहुत कुछ लिख सकते हो आप. ठीक है, आ जाओ दूसरा. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमी एज अ होल.
पूरे देश की इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट मैंने एज अ होल, एग्री बड़ा वर्ड है ना, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड ईबीसी, सिंपल है। इसके बारे में डिटेल में ज्यादा नहीं जाना सर, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, हम कैसे स्टडी करते हैं, नॉट येट, बारहवीं क्लास में सीखेंगे। आ जाओ आगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विथ डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट। तो लास्ट में डिमांड का बढ़ना, सप्लाई का बढ़ना, डिमांड का ज्यादा होना, सप्लाई का कम होना, उससे क्या तय होता है मार्केट के अंदर किसी कमोडिटी का प्राइस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल अगर आप सोचो, मान लो अभी शादियों का सीजन है, एज्यूम करो इट्स अ मैरिज सीजन, अभी मैरिज का सीजन है, इस टाइम पे जब मैरिज का सीजन होता है तो मार्केट के अंदर पनीर की बहुत डिमांड होती है, यानी मिल्क की बहुत डिमांड होती है, क्योंकि हर शादी के अंदर, हर शादी में, हर एक मैरिज के अंदर पनीर की सब्जी बनेगी, पनीर टिक्का भी बनेगा, पनीर के पकौड़े भी बनेंगे, पनीर की सब्जी भी बनेगी। अरे मुंह में पानी तो नहीं आया ना आपके, मेरे तो आ रहा है, पता नहीं, मुझे पनीर की सब्जी बहुत पसंद है इसीलिए। तो देखो ना, इधर घर में भी डिमांड है लोगों के पास, उधर शादियों की भी डिमांड है, तो मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाती है जब कभी भी मैरिज का सीजन आता है। आप कभी नोट करना, उन दिनों में द प्राइस ऑफ पनीर विल ऑल्सो गो अप, प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा होगी और सप्लाई हो नहीं पाएगी, तो फिर नकली पनीर मार्केट में भेजा जाएगा और मार्केट में प्राइस भी बढ़ जाएगा। आप दुकानदार के पास जाओगे, पूछोगे भैया एक किलो पनीर कितने का दिया, तो बोलेगा आप 450 का है। और जैसे सीजन ओवर हो जाएगा, आप सीजन होता है ना, इसका मैरिज का सीजन होता है 2-3 महीने, उसके बाद जाओगे तो बोलेगा आप 350 का है, प्राइस नीचे आ जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई का, दोनों का प्राइस पे बहुत बड़ा रिलेशन है, दोनों का प्राइस के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। जहां पे दोनों मिल जाती हैं वहां कमोडिटी का प्राइस तय हो जाता है, और ये हर रोज होता है, ऑन अ डेली बेसिस, ये हर रोज का काम है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये हर रोज का काम है, इट्स अ वर्क ऑफ, ये हर घंटे ऐसा काम चलता रहता है। ये आपको नहीं समझ में आता, जिस दिन आप सब्जेक्ट पढ़ जाओगे और जब आप लास्ट चैप्टर पे पहुंचोगे मार्केट इक्विलिब्रियम, उस दिन ये बात आपको समझ में आएगी, ठीक है जी। तो लो, यहां पे हम क्या पढ़ते हैं, इज बेसिकली कंसर्न विद डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस, सो दिस इज नोन एज प्राइस थ्योरी, इसे हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नेम्ड एज प्राइस थ्योरी, याद रखना, अभी कभी पेपर में आ जाए तो भूलना नहीं, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। देखो आज जो आप पेपर देके आ गए 11th क्लास के बच्चे, एक एक वही क्वेश्चन था जो हम बाद में डिस्कस करते रहते हैं, जो चीजें हमने डिस्कस की हुई है। मजा आता है जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो आपने अच्छे से सुने हुए हैं और अच्छे से पढ़े हुए हैं और अच्छे से समझे हुए हैं, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड अ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी को पढ़ते हैं, मतलब वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, वहीं पे उस थ्योरी को हम पढ़ते हैं। अभी मैं डीप में जाके आपको ये बात समझाने वाला नहीं हूं, ना ही अभी समझने का टाइम है, बस अभी दिमाग में रखो यहां हम क्या पढ़ते हैं, तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, एट इज इक्वल टू एस, कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी बात ही क्लियर करूंगा। आ जाओ आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज, पहला थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, दूसरा थ्योरी ऑफ सप्लायर और प्रोड्यूसर कह सकते हो, और तीसरा थ्योरी ऑफ प्राइस, और प्राइस कहां तय होता है, मार्केट में। मैंने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में आपको कहा था द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, बेसिकली 3, पहले इंट्रोडक्शन के पार्ट को छोड़ दें तो 3 में डिवाइड है, एक कंज्यूमर, दूसरा प्रोड्यूसर और तीसरा मार्केट। कंज्यूमर करता है डिमांड, प्रोड्यूसर करता है सप्लाई, और मार्केट में तय होता है इनका प्राइस। कंज्यूमर करता है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, प्रोड्यूसर करता है सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, और मार्केट में तय किया जाता है इनका प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तुमने चीज मांगी, इसने चीज सप्लाई की, और मार्केट में तय हुआ कि ये कितने की बिकेगी।
कोई भी चीज मार्केट में कितने की बिकेगी ये कौन तय करता है? थ्योरी ऑफ मार्केट, या हम जो कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ प्राइस। मेन मकसद क्या होता है आपकी डिमांड और सप्लाई का? मेन मकसद क्या होता है? प्राइस, कितने की चीज बिकेगी मार्केट में, कितने का बिकेगा सामान। तो वो कहां तय होता है? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तय होता है। बार बार वही बात आ रही है घूम घूम के, देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए मेरी फर्स्ट क्लास देखनी आपको जरूरी थी जहां इंट्रोडक्शन थी, ठीक है। आ जाओ आगे हो जाओ। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर, वही मैंने कहा ना, थ्योरी ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट मैंने पूरे देश की एग्रीगेट सप्लाई, थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, ये डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? इसे हम बोलते हैं वेयर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, और वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड एंड इक्वल। तो इसकी थ्योरी के बारे में भी हम पढ़ते हैं, ये भी एक कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। क्या होगा अगर डिमांड बढ़ जाएगी पूरे देश में? अगर डिमांड बढ़ जाए किसी चीज की और सप्लाई कम हो तो फिर क्या होगा? पूरे देश के अंदर अगर सप्लाई बढ़ जाए और सामने से डिमांड ना हो तो फिर क्या होगा? आज देखो ना, आज उल्टा चल रहा है। शादियों के सीजन में दूध की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि लोगों को पनीर बनाना होता है। आज उल्टा है, आज मार्केट में गुड्स हैं, भैंसों ने दूध देना बंद नहीं किया लेकिन डिमांड नहीं है, क्योंकि ना तो कोई फंक्शंस हो रहे हैं, ना तो कोई मैरिजेस हो रही हैं, ना लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ना गुरुद्वारों में लंगर चल रहे हैं, कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो डिमांड नहीं है, सप्लाई एक्सेस है लेकिन डिमांड नहीं है। तो इस टाइम पे चीजें सस्ती हो रही है, मार्केट में प्राइस जो है वो डाउन जा रहा है। हर चीज का प्राइस, हर कमोडिटी का प्राइस डाउन हो रहा है, एट बेसिकली खाने वाली कमोडिटी जो है, जो कंज्यूमेबल कमोडिटीज हैं, उनके प्राइस डाउन जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मार्केट में सप्लाई पूरे जोरों शोरों से है लेकिन सामने से उतनी डिमांड नहीं है, फंक्शंस नहीं हो रहे, लोग गेट टुगेदर नहीं कर रहे, लोग शादियां नहीं कर रहे, मैरिजेस नहीं हो रही है, इवन यहां तक कि डेथ सेरेमनीज भी नहीं हो रही है, कुछ भी तो नहीं हो रहा मार्केट में, तो सामान कहां लगेगा? इवन गुरुद्वारों में बड़े बड़े फंक्शंस होते थे जहां कलों के हिसाब से अन्न लगता था, अनाज लगता था, वो भी नहीं हो रहे। आप खुद देखो आपके आसपास ये हो रहा है। तो अब मार्केट में जो है सप्लाई बहुत है लेकिन डिमांड कम है, तो इसलिए मार्केट में अब धीरे धीरे प्राइस चीजों के डाउन हो रहे हैं। तो ये वाली थ्योरी है, कहा जहां एग्रीगेट सप्लाई अब ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है, इसे कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम, अ थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? वेयर टू थिंग्स आर इक्वल, वेयर इट इज मैक्सिमम सेटिस्फाइड, एवरीथिंग इज फाइन। डिसइक्विलिब्रियम मतलब एक ज्यादा एक कम है, ये भी डिसइक्विलिब्रियम है। इफ अ डिमांड इज मोर एंड द सप्लाई इज लेस, ये हम कहां पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के अंदर, और यही है कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके अगला टॉपिक हमारा क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसी टॉपिक को हम एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। मैंने इसको तीन डिफरेंस में कर दिया और इजी लैंग्वेज में ताकि आपको समझ में आए। आप नोट कर लो फिर हम आगे चलते हैं, प्लीज आप नोट कर लो। चलो आज हम नेक्स्ट आगे बढ़े, यह है टॉपिक नंबर 4, यह है कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत बार मैं बता चुका, इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था आपको कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं। हम इसमें कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड मार्केट बिहेवियर, तीनों का बिहेवियर पढ़ते हैं। मैं आपको बता चुका चैप्टर कौन कौन से इसमें कवर होंगे। तो आज सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, एक तो कंज्यूमर के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, और प्राइस मतलब मार्केट में प्राइस तय होता है तो मार्केट के बारे में, ठीक है जी। लो क्या इसमें पढ़ते हैं, पहले कंपोनेंट में कंज्यूमर में, हाउ कंज्यूमर एलोकेट इज इनकम टू डिफरेंट यूजेस सो दैट ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर अपनी इनकम को किस तरीके से यूज करता है ऑन द डिफरेंट यूजेस ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सके, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर इसका मुझसे नाम पूछोगे तो क्या हो गया? मीन्स थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, या हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जो कि चैप्टर नंबर 3 और 4 है, और
थ्योरी ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड भी कौन करता है? कंज्यूमर। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है मालूम है? आपका बिहेवियर क्या है, मेरा बिहेवियर क्या है, एक हर कंज्यूमर जो आपके आसपास घूमता है उसका बिहेवियर क्या है? आई स्पेंड मिनिमम एंड गेट मैक्सिमम, यही तो हमारा बिहेवियर है। हर आदमी क्या चाहता है? कम से कम पैसा खर्चा जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अगर सर्विस ले रहा है तो बोलता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, मतलब अगर हमें 100 रुपए खर्चने हो और हमें 2 GB डाटा रोज का मिले, इंटरनेट डाटा रोज का मिल जाए तो हम बहुत खुश हैं। लेकिन अगर वही हमें 500 रुपए खर्च के मिले तो हम खुश नहीं होते। यानी हमारी आदत है, हम चाहते हैं टू स्पेंड मिनिमम एंड टू गेट मैक्सिमम, क्योंकि हमारी इनकम जो है वो लिमिटेड है, वी हैव अ लिमिटेड इनकम। यही वो बात कहता है, हाउ टू एलोकेट इज इनकम टू डिफरेंट यूजेस सो दैट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ताकि वो मैक्सिमम अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। किस तरीके से अपनी इनकम वो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस पे लगाए, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बिहेवियर के बारे में? कंज्यूमर। इट मींस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड। जो चैप्टर्स इसमें कवर होते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए थे, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6, जिसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 4 चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ते हैं। वो सारे इसके कंपोनेंट्स में आप लिख सकते हो। ठीक है जी, आ जाओ आगे। नेक्स्ट इसके बाद प्रोड्यूसर, हाउ प्रोड्यूसर डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्यों एंड टू मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट। एक प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर कौन मालूम है? जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, जो बना रहा है या जो सप्लाई कर रहा है, वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, ताकि मेरी कंपनी आज छोटी है कल बड़ी हो जाए और बड़ी हो जाए और मैं सबसे बड़ा बन जाऊं। यही तो चाहता है प्रोड्यूसर, टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, मतलब मैं कितना प्रोड्यूस करूं और किसके लिए प्रोड्यूस करूं और कैसे प्रोड्यूस करूं, मतलब हाउ डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, कितना प्रोड्यूस करूं और क्या प्रोड्यूस करूं ताकि मैं मैक्सिमाइज कर सकूं अपना प्रॉफिट। तभी तो प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर यूनिक यूनिक चीजें लेके आते हैं, ताकि आप उनको पसंद करो और मार्केट से परचेस कर सको। मींस व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूसर सोचता है, क्यों? सो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, यानी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर हम पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये सारे चैप्टर हम इसमें पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर आई थिंक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 चैप्टर इसके अंदर हम पढ़ते हैं, वो सारे आप लिख सकते हो। ठीक है जी, मैंने बता रखा इंट्रोडक्शन क्लास में ही करवा दिया था टॉपिक। फिर प्राइस पे क्या है, जिसे मार्केट 2 चैप्टर है, 12 एंड 13, हाउ प्राइस ऑफ गुड इज डिटरमाइंड इन द मार्केट, मार्केट के अंदर किसी गुड का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, मतलब तय किया जाता है, निकाला जाता है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। और वो क्या है, मींस थ्योरी ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस तय कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड ज्यादा करेगा और सप्लाई कम होगी, अगर ये डिमांड ज्यादा करेगा, बहुत ज्यादा डिमांड करेगा कंज्यूमर, और मार्केट में उसकी सप्लाई कम होगी तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। अब ये डिमांड नहीं करेगा और मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस डाउन चला जाएगा। ये रिलेशन आप पढ़ोगे, द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, ये आप पढ़ने वाले हो और ये बहुत मजेदार है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मार्केट में खुद बैठे और मजे से पढ़ रहे हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत मजा आता है पढ़ के, बहुत मजा, अगर इसको समझ के पढ़ा जाए और अगर इसको रट्टा क्वेश्चन से पढ़ा जाए ना, ये वजन बन जाएगा, ये सिर्फ वेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम इतना ही, हमने 2 टॉपिक आज खत्म किए। मैं ज्यादा नहीं करता क्योंकि आप बच्चे फिर वीडियो देख के नोट्स नहीं बनाते हो। अगला टॉपिक जो हम करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, वो 2 टॉपिक आई थिंक हमारे रह गए। एक देखो कौन से 2 टॉपिक है, हाँ एक हमारा टॉपिक रह गया जी कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर रह गया द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बस 3 टॉपिक रह गए। हम इसे कल ही खत्म करके
कोशिश करेंगे इस चैप्टर से बाहर आ जाए, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, आप इसे नोट कर लो।